अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय नेता सुखदीप सिंह खेहरा कहा कि स्कॉलरशिप घोटाले में सरकार को चाहिए कि वह कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट देने के बजाय बर्खास्त करे। सुखदीप ने कहा कि अगर शिक्षण संस्थानों ने विद्यार्थियों से पैसा मांगा या उनका दाखिला नहीं किया तो वह संघर्ष करेंगे। वहीं परिषद की ओर से मांग की है कि मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में करवाई जाए। इसके अलावा पटियाला बठिंडा विभाग संगठन मंत्री सौरभ कपूर ने बताया कि आगामी समय में पंजाब के सभी जिलों में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसके तहत 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रदेश स्तर का प्रदर्शन किया जाएगा। सिंह खेहरा नाम है मेरा, ABVP राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं मैंबर हाँ। तो जिहड़ा साडी अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस सी, ये जिहड़ी धर्मसोत कांग्रेस का मिनिस्टर है उहदे द्वारा SC विद्यार्थियों की जिहड़ी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उहदा घोटाला, जो कि साडे SC विद्यार्थियों के हकों उत्ते डाका मारिया गया, इहदी निरपक्ष हाई कोर्ट के जज दे निगरानी हेठ जांच की मंग करदे आ, CBI जांच की मंग करदे आ, तां जो साडे ओ विद्यार्थियों नाल इंसाफ हो सके जेडे इन्हां दे घपलियां दे करके सिक्ख्या तो वांझे रह जांदे ने। ते साडी अगला संघर्ष साडा इह है कि एक तां चंडीगढ़ जिवें सौरव जी ने दस्सिया कि एक वड्डा प्रोटेस्ट ABVP करन जा रही है, असीं सारे जिलों च प्रोटेस्ट करांगे, विद्यार्थियों को जागरूक करांगे ताँ जो अगे तो ऐसे घोटाले करने बारे सरकार 100 बार सोचे। कैमरामैन खान के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।